तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेकन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग जियो सिनेमा पे सभी लाइव मैच आईपीएल का फ्री में देख रहे हैं। एंड अगर आपका जियो सिम है या नहीं है, वीआई, एयरटेल, बीएसएनएल है, तब भी आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में देख पा रहे हो। तो बेसिकली आज का वीडियो बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो फुल मैच को आप अपना मोबाइल पे रिकॉर्ड करके अपना गैलरी में सेव करें तो आप कैसे करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे बता दूं, आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, बट आपको लाइव मैच का डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जो भी हाइलाइट्स है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, बट आपको गैलरी में सेव नहीं होगा, आप ऑफलाइन पे जियो सिनेमा पे देख सकते हो। बट गाइस, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा मैच को आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड साथ साथ अपना गैलरी में वीडियो को, फाइल को सेव कर सकते हो। अगर आप विदाउट ऑडियो में चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा, ऑडियो के साथ भी उसको भी मिल जाएगा फुल HD में। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा एंड सभी मोबाइल या लैपटॉप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जैसे पंजाब एंड LSG का मैच चल रहा है, लाइव मैच चल रहा है, तो यहाँ पे इस मैच को रिकॉर्ड करने के लिए या तो फिर जो भी हाइलाइट्स है उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है, सिंपली आपको मोबाइल पे स्टेटस बार पे एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्ड। जैसे गाइस आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता आपको सेटिंग पे जाके सर्च कर लेना स्क्रीन रिकॉर्ड का, आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है फिर भी बताऊंगा क्या करना है। तो अगर आपके पास है तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको ऑन कर लेना है। तो मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हो विदाउट वॉइस में इसके ऊपर टैप करके रखना है एंड टैप करने के बाद साउंड जो है आप यहाँ पे ऑफ ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर क्वालिटी, यानी कि वीडियो क्वालिटी हाई, मीडियम, लो, जैसे मैं हाई करूंगा एंड यहाँ पे श्योर कर दूंगा बैक हो जाऊंगा। तो सिंपली अगेन मैं स्टेटस बार में जाऊंगा, इसको जस्ट टैप करके ऑन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए मैं टैप करके ऑन कर दिया, यहाँ पे 3 सेकंड काउंट हो रहा है। तो अभी आपको अगर आप इस टाइप के रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सिंपली इतना छोटा सा आएगा एंड नीचे पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको पूरा रोटेट करने के लिए स्क्रीन को, जैसे आप रोटेट कर दोगे आपका पूरा स्क्रीन रोटेट हो जाएगा एंड पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप एडिट करके कहीं पे भी डालना चाहते हो तो आप यहां से एडिट करके डाल सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। तो गाइस जैसे मैं यहां पे विद साउंड के साथ दिखाया, आप विदाउट साउंड में भी HD क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपल बात करते हैं, अगर आपके पास ये सेटिंग ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं मेरा गैलरी में सेव हुआ कि नहीं। तो देखिए मैं गैलरी में आ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग में एंड यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑडियो के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया, आपके पास अगर सेटिंग है तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास सेटिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली प्ले स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, कोई भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको जस्ट एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे वहां पे सेटिंग पे जाके पिक्चर क्वालिटी यानी कि वीडियो क्वालिटी आपको HD में रखना है, हाई क्वालिटी में रखना है एंड ऑडियो विथ ऑडियो या विदाउट ऑडियो में आपको सेट कर लेना है। तो लाइक एग्जांपल के लिए मैं इसको इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद सिंपली आपको जो भी अलाउ ऑप्शन मांगता है आपको अलाउ कर देना है, सेटिंग पे जाना है। देखिए नीचे सेटिंग ऑप्शन मिल रहा है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद देखिए ऑडियो सेटिंग जो है आपको म्यूट यहाँ पे है, तो आप चाहते हो यहाँ पे माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो या तो फिर इंटरनल एंड माइक्रोफोन दोनों को ऑन कर सकते हो। यहाँ पे और एक सेटिंग है नॉइस रिड्यूसर, इसको भी ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड वीडियो क्वालिटी यहाँ पे सेटिंग आपको मिल जाएगा, आप 1080p पे कर सकते हो। एंड क्वालिटी जो आपको ऑटो 60 Mbps/s 14 Mbps ऐसे करके आप सेट कर सकते हो एंड आपका मर्जी से आप सेट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग जस्ट इसके ऊपर टैप करके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना है। जैसे मैंने दिखाया ऐसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी ब्लैक ऑप्शन नहीं आएगा, उसके बाद आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। सेम अपना लैपटॉप में भी ऐसे ऑप्शन सेट कर सकते हो एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप गैलरी में सेव कर सकते हो एंड कहीं पे भी एडिट करके डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। तो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ भी अगर पूछना है वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।